अभी देखिए हम देख रहे हैं हिंदाल्को की चार्ट। तो हिंदाल्को की चार्ट में देखिए मार्केट ने एक डिप लगाया था, इसे यू टाइप का पैटर्न भी हम उसको बोल सकते हैं, कॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसको कॉप कंसिडर करो तो इसका हैंडल, हैंडल के बाद यहाँ पर क्या मिला हमको, ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग साइड ट्रेड, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसको प्रॉपर बनाएंगे ब्रेकआउट और हैंडल, जैसे भी यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ का एंट्री करना था, अभी बहुत ऊपर चला गया, यहाँ अभी एंट्री करने में कुछ मतलब नहीं पड़ा। अगर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट भी कर देता है इस एरिया के आसपास, तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं उसके बाद, अगर प्रोबेबिलिटी दिखता है तो। और एक चीज देखिए मार्केट में ये रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए कितने बार रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक में, फाइनली ये बहुत मल्टी टच हो चुका है। मल्टी टच के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस वीक हो गए और यहाँ क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर मार्केट यहाँ का भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर लॉन्ग साइड का कुछ अपॉर्चुनिटी देता है या कुछ कैंडलस्टिक उसे बुलिश टाइप का पैटर्न बनाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे, तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग को।